एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 4012% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए, जो 5 वर्ष के बाद सम मूल्य पर शोध है। इन ऋण पत्रों के शोधन हेतु शोधन कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निवेशों पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज प्राप्त होने की आशा की जाती है। शोधन कोष सारणियां दर्शाती हैं कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 0.180975 निवेशित करने पर 5 वर्ष के अंत में 1 रुपए हो जाएगा तथा 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 रुपए निवेशित करने पर 5 वर्ष के अंत में 5.52563 हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष लाभ में से अलग की जाने वाली राशि की गणना कीजिए। यहाँ हमको सबसे पहले 2 वर्ष के लिए उस राशि को ज्ञात करना है जो लाभ में से अलग की जाएगी निवेशित करने के लिए। तो हमने क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला देखा, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर जो नॉमिनल वैल्यू है हमारी पहले वो है 4000 ऋण पत्रों पर 100 रुपए के हिसाब से 4,00,000 रुपए, और जब हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी गई है उससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 4000 यानी कि 4 लाख इंटू 0.180975 तो इस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा 72,390। दूसरे वर्ष के लिए कितनी राशि हमको अलग करनी है उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 5 वर्ष के अंत में जो है वो 5.52563 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 4 लाख को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये जो 5.52563 है ये 5 ईयर के लिए है, तो हम 1 ईयर का जब हम इसमें निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 लाख डिवाइडेड बाई 5.52563 और ये आ जाएगा 72,390। निवेश में लगाई जाने वाली राशि के संबंध में प्रतिवर्ष निवेश में लगाई जाने वाली राशि की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। पहला, यदि निवेश विशेष मूल्य वर्ग के गुर्जों में जैसे 10 या 20 रुपए मूल्य वर्ग में ही किए जाते हैं तो केवल उतनी ही राशि निवेशित की जानी चाहिए जो दिए गए मूल्य वर्ग से पूर्णतः विभाज्य है। उदाहरण के लिए यदि निवेश के लिए उपलब्ध राशि 35,647.20 रुपए है और निवेश के 10 के गुणज में ही किए जाने हैं तो केवल 35,640 निवेशित किया जाएगा तथा 7.20 रुपए प्रथम रूप से ऋण पत्र शोधन निधि रोकड़ खाते यानी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कैश अकाउंट में रखा जाएगा जिसे आगामी वर्ष के दौरान निवेश करते समय ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा, अन्य स्थितियों में जब कोई विशेष निर्देश न दिया गया हो तो लाभ की अलग की गई राशि तथा ऋण पत्र शोधन निधि निवेश संचयी ऋण पत्र शोधन निधि की दशा में प्राप्त ब्याज की राशि दोनों मिलाकर निवेश की जाएगी परंतु असंचयी ऋण पत्र शोधन निधि की दशा में लाभ की अलग की गई राशि ही निवेश की जाएगी। चौथा, ऋण पत्र शोधन कोष या तो संचयी हो सकती है या असंचयी। इसके अंतर्गत पहला नियम ये है कि संचयी ऋण पत्र शोधन कोष की स्थिति में ऋण पत्र शोधन कोष निवेश पर प्राप्त ब्याज को ऋण पत्र शोधन कोष खाते के क्रेडिट में लिखा जाता है और ब्याज की राशि को पुनः निवेशित कर दिया जाता है। दूसरा, असंचयी ऋण पत्र शोधन कोष नॉन कम्युलेटिव डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की स्थिति में ऋण पत्र शोधन कोष निवेश पर प्राप्त ब्याज की राशि को लाभानि खाते के क्रेडिट में लिखा जाता है। चौथा, ऋण पत्र की अवधि के अंतिम वर्ष में निवेश की कोई राशि नहीं लगाई जाती क्योंकि अंतिम वर्ष में निवेश की राशि लगाने और तत्काल निवेशों को बेचने में कोई तर्क नहीं है। सातवां, जब कंपनी ऋण पत्र के निर्गमन की धन राशि के बराबर ऋण पत्र शोधन कोष का सृजन करती हो तो ऐसे स्थिति में ऋण पत्र शोधन आरक्षिति डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के सृजन की आवश्यकता नहीं रहती है। ऋण पत्र शोधन कोष में हस्तांतरित की जाने वाली राशि के लिए सिंकिंग फंड तालिका का प्रयोग किया जाता है। 5 वर्ष के अंत में 8,00,000 रुपए प्राप्त करने के लिए विभाज्य लाभ से कितनी धनराशि अलग रखी जानी चाहिए, धनराशि पर 5% की दर से ब्याज अर्जित करने की आशा की जाती है। शोधन कोष सारणी से ज्ञात होता है कि 0.180975 रुपीज
5% ब्याज पर 5 वर्ष के अंत में 1 रुपए हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि इस प्रश्न में केवल हमको उस धनराशि के बारे में जानकारी पाई गई है, जानकारी चाही गई है जो कि विभाज्य लाभ में से अलग रखी जानी है। यहाँ पर क्योंकि हमसे केवल ये जानकारी चाही गई है कि विभाज्य लाभ जो है उसमें से कितनी धनराशि को अलग रखना है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि वर्ष के अंत में प्राप्त राशि गुणित वर्तमान मूल्य 1 रुपए का जो 5% इंटरेस्ट पे जो वर्तमान मूल्य कोष सारणी से हमने ज्ञात किया है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 लाख इंटू 0.180975, तो 1,44,740 वो अमाउंट है जो कि हमको इस पूरे विभाज्य लाभ में से अलग रखना है। तो हमने देखा कि सिंकिंग फंड मेथड क्या है और किस तरह से इसमें कैलकुलेशन की जाती है। दूसरी विधि इसमें होती है बीमा पॉलिसी विधि। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कंपनी अपने इन ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए पहले से ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है, अपने स्थिति को देखते हुए वो पॉलिसी की एक रकम निर्धारित कर देती है और साल दर साल उस पर जो प्रीमियम की जो अमाउंट होती है उसको वो भुगतान करती जाती है। एक समय बीत जाने के बाद कंपनी के पास इस पूरी पॉलिसी प्रीमियम से इतनी अमाउंट कलेक्ट हो जाती है कि वो बहुत आसानी से अपने ऋण पत्रों के का शोधन कर सकती है, ऋण पत्र धारियों को भुगतान कर सकती है। अब इस स्थिति में जब बीमा पॉलिसी विधि के अंतर्गत ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इंश्योरेंस अकाउंट की जगह हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट खोल देते हैं, ये एक डिफरेंस होता है। और एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि इस मेथड से जब हम कैलकुलेशन करते हैं और जनरल एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पर हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्याज की किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। तो आइए देखते हैं कि बीमा पॉलिसी मेथड से जब हम कैलकुलेशन करते हैं और जनरल एंट्री करते हैं तो कौन कौन सी जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं। बीमा पॉलिसी विधियों के अंतर्गत जब पंजी प्रविष्टि की जाती है तो कुछ इस प्रकार की प्रविष्टियाँ होती हैं। प्रत्येक वर्ष के दौरान जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं उसमें पहला वर्ष के प्रारंभ में प्रीमियम पर भुगतान करने पर प्रविष्टि होगी। डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ हम जो अमाउंट लिखेंगे वो प्रीमियम की राशि से हम इसकी एंट्री करेंगे अमाउंट की। और सेकेंड जो एंट्री होगी वो होगी वर्ष के अंत में प्रीमियम के लिए लाभ की राशि का अगर प्रावधान किया है तो उसके लिए एंट्री की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। यहाँ पर हम जो अलग की गई लाभ की राशि है उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी कंडीशन बनती है जबकि अंतिम वर्ष में हम प्रविष्टि करते हैं तो इसके अंतर्गत बीमा कंपनी से अगर पॉलिसी की राशि प्राप्त होती है तो यहाँ हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, और इसके अंतर्गत जो भी प्राप्त राशि होगी बीमा कंपनी से पॉलिसी की उस अमाउंट को हम इसके अंतर्गत लिखेंगे। फोर्थ जो कंडीशन बनती है उसमें पॉलिसी पे जो प्राप्त राशि होती है उस राशि को जब हम लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देते हैं तो हम एंट्री करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, और यहाँ पर जो लाभ की राशि है जिसे हम लाभ हानि खाते में अंतरित कर रहे हैं उसी अमाउंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। इसी कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर लाभ की जगह यहीं पे हानि हो जाए तो ये जो एंट्री होती है वो पलट जाती है, विपरीत हो जाती है, तो इस एंट्री को हम पलट देंगे, जो डेबिट में उसको क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट में जो है उसको हम डेबिट कर देंगे। फिफ्थ कंडीशन बनती है जब ऋण पत्रों पर राशि देय होती है, और इसके अंदर हमको ये भी देखना है कि उसका शोधन किस मूल्य पर होता है। अगर ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर एट पार अगर होता है तो वहां पर हम जनरल एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और इसमें हम जो वैल्यू लिखेंगे वो अंकित मूल्य से ही हम उसकी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि सम मूल्य पे ही शोधन यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन बनती है जबकि ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया गया हो, इस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और यहाँ हमको जब हम अमाउंट लिखेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम अंकित मूल्य यानी कि जो उसकी नॉमिनल जो फेस वैल्यू जो होगी उसकी हम एंट्री यहाँ पर करेंगे,
और प्रीमियम में हमने जो प्रीमियम कैलकुलेट किया है, जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट हुई है उसको हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और तीसरा जो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट है उसमें जो भी टोटल इन दोनों की आएगी उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सिक्स कंडीशन जो बन सकती है वो होगी ऋण पत्र धारियों को देय राशि का भुगतान। अब क्योंकि रिडम्पशन हो गया है, जो हमारे डिबेंचर होल्डर हैं उनको हमको जो भी राशि है उसको भुगतान करना है, तो यहाँ पर एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर, और यहाँ पर हम जो अमाउंट लिखेंगे वो वही अमाउंट होगी जो कि हमको उनको पे करनी है। अगर हम चाहें तो हमने फिफ्थ और सिक्स्थ में जो एंट्री की हुई है उनके स्थान पर हम कुछ अन्य प्रविष्टि भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और इसमें अंकित मूल्य से हम उसकी एंट्री कर सकते हैं, और या फिर हम उसके स्थान पर एक और एंट्री कर सकते हैं डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट को बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने पांचवी एंट्री के जो सेकंड कंडीशन है उसके अंतर्गत हमने लिखा है। सेवंथ एक कंडीशन बनती है जबकि ऋण पत्रों का शोधन कोष खाते का जो संचय शेष है उसको हम सामान्य आरक्षित यानी कि जनरल रिजर्व में अगर हम उसको ट्रांसफर करें, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और जो भी संचय की अमाउंट जिस जो हमको ट्रांसफर करना है उस अमाउंट से हम इसकी एंट्री करेंगे। 1 जनवरी 1999 को एक लिमिटेड कंपनी ने 3 वर्ष के बाद शोध्य 100 रुपए वाले 3008% ऋण पत्र निर्गमित किए। कंपनी ने ऋण पत्रों के शोधन के लिए 3 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी लिया और 95,000 वार्षिक प्रीमियम अदा किया। तीसरे वर्ष के अंत में पॉलिसी की धनराशि प्राप्त हो गई और ऋण पत्रों को शोधन कर दिया गया। आवश्यक खाते बही के खाते दर्शाइए। बीमा पॉलिसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें बीमा पॉलिसी की धनराशि तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त होती है और साथ में इसमें ऋण पत्रों का शोधन भी किया गया है। अब इसके आधार पर जब हम खाता बही बनाएंगे तो सबसे पहले हम डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे 8% डिबेंचर अकाउंट, और जनरल हम जो करते हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 लाख रुपए की ये पॉलिसी है और उसको हमको ट्रांसफर करते जाना है, तो यहाँ क्योंकि हमारी जनरल एंट्री जो अभी तक हम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री यहाँ पर कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, तो यहाँ पर सबसे पहले 1999 को 1 जनवरी को डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 3 लाख से, और क्योंकि 1 जनवरी का ये ओपनिंग बैलेंस है तो फिर से 31 दिसंबर 99 के क्लोजिंग बैलेंस के रूप में इसको हम डेबिट में ट्रांसफर करेंगे 31 दिसंबर टू बैलेंस सीडी 3 लाख और क्लोज कर देंगे, और फिर इस 3 लाख को हम वापस 2000 जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में और बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे 3 लाख से, और फिर से क्योंकि 3 साल तक हमको इसको ले जाना है तो फिर से हम इस 3 लाख रुपए जो हमने क्रेडिट में बैलेंस ट्रांसफर किया है उसको हम डेबिट में लाएंगे वापस क्लोज करने के लिए 31 दिसंबर को वर्ष के अंत में 2000 रुपीज से, और 3 लाख को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब ये जो 31 दिसंबर 2000 का क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, इसको फिर से हम 1 जनवरी 2001 को ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी 3 लाख और क्लोज कर देंगे, और फिर हम इसको क्योंकि थर्ड ईयर में वो पूरा क्लोज हो रहा है 3 साल की वो पॉलिसी है और यहाँ पर हम इसको फुल पूरा पेमेंट कर देंगे डिबेंचर्स को, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 8% डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 31 दिसंबर को टू बैंक अकाउंट 3 लाख और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। सेकेंड हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बनाएंगे, तो जब हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 95,000 की वार्षिक प्रीमियम वो अदा करते हैं हर साल, ये जो टोटल अमाउंट है उसको किस्त में वो अदा करते हैं और हर साल 95,000 वो प्रीमियम जो है वो देते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट।
तो यहाँ पर हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट के क्रेडिट में 31 दिसंबर को सबसे पहले एंट्री करेंगे 95,000 से, और अब इसको हम क्लोज कर देंगे क्योंकि 3 किस्तों में हमको उसको देना है, तो 3 साल तक हम उसको ट्रांसफर करते रहेंगे, और फिलहाल हम 31 दिसंबर को 95,000 की एंट्री करके इसको क्लोज करेंगे, और ये जो बैलेंस है इसको हम वापस डेबिट साइड में लाएंगे 31 दिसंबर को 95,000। तो 1999 का अकाउंट हम क्लोज किए, और ये जो 95,000 हमने डेबिट साइड में बैलेंस लाया हुआ है इसको हम नेक्स्ट ईयर यानी 2000 में ट्रांसफर कर लेंगे। तो 1 जनवरी 2000 को जब हम ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस BD 95,000। अब ये जो 95,000 पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, साथ में फिर से इस साल 95,000 का प्रीमियम देना है, तो फिर से उसके साथ हम ऐड कर देंगे क्योंकि जनरल एंट्री हमारी सेम होगी जब भी हम प्रीमियम देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, तो सेम हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम वही एंट्री करेंगे 95,000 से। और अब हम देख रहे हैं कि ये टोटल हो जाता है 1,90,000 का, और 1,90,000 हम टोटल जो हमारी अमाउंट है पूरा का पूरा बैलेंस हम 31 दिसंबर 2000 को ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 31 दिसंबर 2000 और टू बैलेंस CD 1,90,000, और पूरा का पूरा 1,90,000 ये क्लोजिंग बैलेंस हमने जो ट्रांसफर किया था अब वो 2001 में वापस ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस के रूप में। तो 1 जनवरी 2001 को हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस BD 1,90,000। तो 1,90,000 से हम इसकी इसको हम ट्रांसफर किए क्रेडिट में, और फिर इस साल का फिर से 95,000 प्रीमियम हमको देना है, तो 31 दिसंबर को फिर से हम वही एंट्री करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 95,000। अब हम देखते हैं कि टोटल जो पॉलिसी थी वो कितने की थी, 3 लाख की, तो उसको हम 2001 दिसंबर 31 डेबिट में यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट 3 लाख, और बैलेंस हम देखते हैं कि बैलेंस क्या बचता है, तो डेबिट में हमने यहाँ पे देखा कि जनरल रिजर्व में है 3 लाख, और उसके बाद क्रेडिट जो टोटल है वो 1,90,000 और 95,000 इसमें से माइनस करते हैं तो 15,000 का जो रिडम्पशन फंड बचता है पॉलिसी का वो आ जाता है, जिसको कि 31 दिसंबर को हम बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी के नाम से 15,000 में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा टोटल 3 लाख से। इसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट हमको बनाना है, इस पॉलिसी के लिए अलग अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉलिसी जो थी वो भी 95,000 की थी, तो सेम वैसी अमाउंट एंट्री हम यहाँ पर करते जाएंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट के डेबिट साइड में 1 जनवरी 2000 को 95,000 लिखेंगे, और इसका जो बैलेंस है 31 दिसंबर 1999 को वो 95,000 हम क्रेडिट साइड में लिख के क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट ईयर हम फिर से इसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस वापस डेबिट साइड में लाएंगे 95,000 से, और फिर से हमको इसको पे करना है 95,000, तो फिर से हम इसके डेबिट में 95,000 लिखेंगे, और टोटल अब जो हो गया वो 1,90,000, और सेकेंड ईयर में यानी कि 2000 में जो हम टोटल बैलेंस ट्रांसफर करेंगे वो हो जाएगा 1,90,000, और थर्ड ईयर में वापस जब हम 1,90,000 को ओपनिंग बैलेंस के रूप में ला रहे हैं 1 जनवरी को, तो 2001 को 1 जनवरी को हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस CD 1,95,000। ये तो पिछले 2 वर्ष का हो गया, और इस वर्ष का जो हमने 95,000 पे किया वो अलग से आ जाएगा और डेबिट साइड में 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 95,000, और हमने जब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट बनाया तो वहां पर हमने देखा कि क्रेडिट साइड में जो हमारा 15,000 का बैलेंस आया था, ओवरऑल जब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं तो ये हमारी एंट्री हो जाती है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, तो इस जनरल एंट्री के आधार पर अगर देखा जाए तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 31 दिसंबर को टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 15,000 से जो बैलेंस आया था, और अब हम इसको टोटल करके देख रहे हैं तो ये 3 लाख बैलेंस बराबर हो जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा 3 लाख जो पॉलिसी है वो पे हो गई। अब तो इसको हम यहाँ पर 2001 में 31 दिसंबर को लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैंक,
क्योंकि हमने डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी पे कर दी, यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट और 3 लाख से हम इसको क्लोज कर देंगे। सी लिमिटेड ने प्रति 100 रुपए के 2012% ऋण पत्र 1 जनवरी 1998 को 10% बट्टे पर निर्गमित किए, जो 4 वर्षों में समान वार्षिक आहरणों में 10% प्रीमियम पर शोध है। 4 वर्षों के जनरल प्रविष्टियां कीजिए, क्योंकि इस प्रश्न में हमको 4 वर्षों की जनरल प्रविष्टियां करनी है और प्रत्येक वर्ष के लिए जो ऋण पत्र है 12% ऋण पत्र, 100 रुपए का 1 ऋण पत्र, 2000 ऋण पत्र है और समय दिया गया है 1 जनवरी 1998 को 10% बट्टे पर ये निर्गमित किए गए हैं और वार्षिक आहरण जो है वो 10% प्रीमियम पर शोध है और समान वार्षिक आहरण है, इसका हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम ऋण पत्रों को इश्यू करेंगे तो यहाँ हमारी जो एंट्री होगी वो सभी वर्षों के लिए सेम होगी और ये जनरल एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसलिए हम लॉस लिखेंगे क्योंकि एक तो वो बट्टे पर निर्गमित किए गए थे और दूसरा जब उनका शोधन हुआ रिडम्पशन हुआ तो वो प्रीमियम पे हुआ, तो दोनों को एडजस्ट करके हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में लिखेंगे। तो प्रॉपर यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट बीइंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडम्बल एट प्रीमियम ऑफ 10%। अमाउंट किस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2000 जो डिबेंचर है 2100 रुपीज का एक है यानी 2 लाख इसकी अमाउंट होती है, लेकिन क्योंकि 10% इस पे डिस्काउंट है इश्यू करते समय तो 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में हम केवल 1,80,000 ही लिखेंगे। दूसरा हमको लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 लॉस है और दूसरा 10% प्रीमियम भी है, तो 2 लाख का 10% प्रीमियम यानी कि 20,000 प्रीमियम, तो 20,000 डिस्काउंट और 20,000 प्रीमियम दोनों मिला के 40,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हम इसके डेबिट साइड में लिखेंगे। अब क्योंकि 12% डिबेंचर यानी कि टोटल अमाउंट हमको लिखनी है इसमें डिबेंचर की, तो वो हमने देखा कि 2 लाख है और फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने कैलकुलेट किया था 20,000, तो उसकी एंट्री हम कर लेंगे। नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीइंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडम्बल एट प्रीमियम ऑफ 10%। इसके बाद जबकि हमको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी है और 98 से लेके अगले 4 साल तक मतलब 98, 99, 2000, 2001 में इसकी एंट्री हमको करनी है, तो रिडम्पशन के अकॉर्डिंग तो रिडम्पशन के लिए यहाँ पर हम तीन जनरल एंट्री करेंगे। फर्स्ट जो एंट्री होगी वो हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये जो एंट्री है ये रिडम्पशन पे अमाउंट ड्यू होने की एंट्री है। तो यहाँ पर क्योंकि 4 समान भागों में ये विभाजित है और टोटल जो अमाउंट है वो 2 लाख की है, तो पहले तो हम उस 2 लाख को 4 समान भागों में जब विभाजित करेंगे तो डिबेंचर के जो अमाउंट आएगी वो आएगी 50,000 जो कि हम 12% डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 50,000 और प्रीमियम के जो अमाउंट है उसको भी हम 4 समान भागों में बांट देंगे, जैसे कि 20,000 हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया था तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5,000 जो है प्रीमियम वो हर साल चलेगा। अमाउंट जो रहेगी क्योंकि इक्वल हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सभी वर्षों के लिए जो डिबेंचर अमाउंट रहेगी वो 50,000 रहेगी, प्रीमियम अमाउंट जो रहेगी वो 5,000 रहेगी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री जो है वो हमने देखा और अमाउंट जो है वो हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000, प्रीमियम के डेबिट में 55,000 और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट में 55,000 और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। अब क्योंकि ड्यू हो गई अब इसको पे की हमको एंट्री करनी है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नॉर्मली हमने वही एंट्री की है जो अभी तक हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट के लिए करते आ रहे हैं और टोटल क्योंकि विद प्रीमियम है तो 55,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री यहाँ पर हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जबकि ये जो प्रॉफिट क्योंकि इक्वली इसको ट्रांसफर करना है डिबेंचर रिडम्पशन में तो ये एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन 50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे।
बिल्कुल ऐसी ही एंट्रीज आगे सभी सालों में होगी, जैसे कि 1999 में भी हम एंट्री करेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और 50,000 से हम डिबेंचर में और 5,000 से हम प्रीमियम में एंट्री करेंगे। टोटल डिबेंचर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 55,000 से एंट्री करेंगे। सेकेंड, जब पेमेंट मेड होगी डिबेंचर होल्डर्स की तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द पेमेंट मेड 55,000 से, और थर्ड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर्स रिडेम्पशन, और 50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। 2000 में भी बिल्कुल वही एंट्री हम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 से, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 55,000, और नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द पेमेंट मेड 55,000, और नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 50,000 से। और 2001 में जो कि चौथा वर्ष है और अब यहाँ पर हमको इसको समाप्त करना है, तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे कि अब तक हमने बाकी कई सालों में किया। यहाँ पर थर्ड जो एंट्री होगी वो हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DDR, इसको हमको ट्रांसफर कर देना है डिबेंचर रिडेम्पशन में 50,000 से, और डिबेंचर रिजर्व की जो अमाउंट है टोटल अमाउंट जो है अगर उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी लास्ट एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और 2,00,000 पूरा हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पी लिमिटेड ने प्रति 100 रुपए के 5,012% ऋण पत्र 1 जनवरी 1991 को 10% बट्टे पर निर्गमित किए, जो 1991 के अंत से आरंभ होने वाले 5 समान वार्षिक आहरणों में शुद्ध हैं। यह मानते हुए कि कंपनी ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा को ऋण पत्रों की कालावधि में अपलिखित करती है, प्रथम 3 वर्षों के लिए लेन देनों की पंजी प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ पर क्योंकि कुल ऋण पत्रों की संख्या जो है वो 5,000 है और 100 रुपए का एक ऋण पत्र है तो कुल जो राशि होती है वो 5,00,000 होती है, लेकिन क्योंकि 10% बट्टे पर निर्गमित किए गए हैं और समान वार्षिक किस्तों में है, 5 समान वार्षिक किस्तों में, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करेंगे और उसको एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की जब एंट्री करेंगे तो 2 जनरल एंट्री हम यहाँ पर अलग कर लेंगे, और उसके बाद हम अलग से डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि वो जो राशि है बट्टा की वो सभी 5 वर्षों में फिर उसको हमको समान रूप से अपलिखित करना है। तो यहाँ पर पहली जो हमारी एंट्री होगी वो हो जाएगी 1 जनवरी 1991 की बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और क्योंकि 5,00,000 टोटल अमाउंट है 5,000 × 100 से, और इस पर 10% डिस्काउंट है तो यहाँ पर हम 4,50,000 से इसकी एंट्री करेंगे, और जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन में हमने जो रिसीव किया है 4,50,000 वो आ जाएगा, और डिस्काउंट जो है 50,000 वो आ जाएगा, टोटल 5,00,000 जो है वो 12% डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। अब क्योंकि हमको यहाँ पर जो डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो 5 समान वार्षिक किस्तों में हमको यहाँ पर शोध्य है, और ये भी बताया गया है कि कंपनी ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा को ऋण पत्रों की कालावधि में अपलिखित करती है और 3 वर्षों के लिए हमको यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है, तो फर्स्ट जो यहाँ पर हम डिस्काउंट के लिए अकाउंट बनाएंगे वो डिस्काउंट की जो जनरल एंट्री होती है इसके आधार पर, ये जनरल एंट्री के आधार पर यहाँ पर डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू 12% डिबेंचर, और क्योंकि टोटल जो डिस्काउंट है वो है 50,000 5,00,000 का 10%, तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे, और इसका क्योंकि हमको 5 समान वार्षिक किस्तों में इसको बांटना है अलग अलग, तो अगर हम 50,000 को 5 समान किस्तों में बांटते हैं तो 10,000 रुपये प्रति वर्ष आएगा, तो इसको हम क्रेडिट साइड में वर्ष के अंत में यानी 1 जनवरी को अगर अकाउंट ओपन होता है तो 31 दिसंबर को हम इसको क्लोज करेंगे,
तो 1 दिसंबर को हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 इसका जो 5 इक्वल जो इसका 5 जो समान किस्त बनती है उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, और बैलेंस जो आएगा 50,000 माइनस 10,000 40,000 वो यहाँ पर हम लिखेंगे। और क्योंकि 31 दिसंबर को हमने बैलेंस कैरिड डाउन किया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए यानी कि 1992 जनवरी 1992 के लिए ये बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन आ जाएगा नीचे, और 40,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और फिर से हम 10,000 क्रेडिट साइड में 1992 में 1 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करेंगे 10,000 से, और अब 40,000 डेबिट में है इसके और 10,000 क्रेडिट में है। तो अब जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस वो हो जाएगा 30,000, और फिर हम इसको 1992 के लिए क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट 1993 में ये जो बैलेंस सीडी आया है इसको वापस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ला लेंगे 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी 30,000 हम इसकी एंट्री कर लेंगे, और फिर से हम उसकी एक किस्त पे कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 डाल के, और फिर 30,000 माइनस 10,000 फिर बैलेंस हमारा मिल गया 20,000, और फिर हम इसको 1993 में यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 20,000 का 1993 में, ये जनवरी 1994 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस 20,000 को हम जनवरी 1994 के लिए ओपनिंग बैलेंस के रूप में ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी 20,000, और अब फोर्थ ईयर का पेमेंट हम कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 डाल के, और अब डेबिट में है 20,000 का बैलेंस, क्रेडिट में हमने 10,000 पे कर दिया, तो बैलेंस जो बचता है वो 10,000 यहाँ पर बचता है। और अब हम इसको 1994 में यहाँ पर क्लोज कर देंगे 20,000 से, और 31 दिसंबर 1994 को जो बैलेंस 10,000 बचा है उसको हम 1995 जनवरी 1 को जब ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 10,000, और फिफ्थ ईयर में जब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस पेमेंट कर देंगे 10,000, तो पूरा का पूरा ये यहाँ पर राइट ऑफ यानी कि अपलिखित हो जाएगा।